मध्य प्रदेश उब चुका है और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। यदि यदि प्रशासन नहीं चेतता है तो हम लोग कानून लेने अपने हाथ में विवश हो सकते हैं। हाँ, मैंने आवेदन दे दिया है। आवेदन देने के बाद में मुझसे बोला गया है कि आप थोड़ा रुकें, जब तक हमारे पास में वो वहाँ से डॉक्टर का वो नहीं आ जाता है। कितने लोगों की संख्या रही होगी? लगभग 50 लोग रहे थे। घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रनेफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न ऑन बजाया, इतने में उनकी गाड़ियां आ गई तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को, कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियां। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला, जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनके पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है, और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से